रास्ते व घरों में जलभराव से परेशान ग्रामीण, कहां लापता है ग्राम के प्रधान। नगर परिषद लांजी से जुड़े ग्राम पंचायत बिसोनी के दखनी टोला आवास में जलभराव रहने से ग्रामीण हो रहे परेशान। कई वर्षों से गांव में यह समस्या बनी है, इसकी ओर संबंधितों का ध्यान न दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को पलीता लग रहा है। ग्राम की इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में ग्राम के ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि उनके गांव में वोट मांगने आते हैं, इस समस्या के निदान का वादा कर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं देता। इस आवास के ग्रामीणों को निकलने रास्ता तक नहीं है। आवास के चारों ओर भूमि स्वामी की जगह है और बीच में आवास बसा हुआ है। हमें आवागमन में परेशानी होती है, वही बारिश के दिनों में पानी निकासी न होने से घरों में पानी भर जाता है। जनपद पंचायत लांची अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी के ग्राम दखनी टोला आवास के वार्ड नंबर 18, 19, 20 की गलियों व घरों में होने वाले जलभराव से ग्रामीण परेशान हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनपद पंचायत सीईओ तथा ग्राम पंचायत सचिव सरपंच को इस जलभराव समस्या से अवगत कराते आ रहे हैं। ग्रामीणों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पूर्व में पूर्व खंड विकास अधिकारी ने गांव का दौरा कर गांव वालों से वार्ता भी की थी। तहसील क्षेत्र के गांव बिसोनी में बरसात के पानी के अलावा नालियों का भी पानी नाली साफ नहीं करवाने के कारण नाली का पानी भी गांव की गलियों में भर जाता है। गलियों में जल निकासी नहीं होने के कारण सारा पानी गलियों में भरा रहता है। गलियों में होने वाले जलभराव के कारण गांव में गंदगी व मच्छर पैदा हो गए हैं। इस जलभराव के कारण गांव में बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वार्ड नंबर 20 पंच के पहुंचने पर बनाई गई व्यवस्था। ग्राम पंचायत बिसोनी के वार्ड नंबर 20 के पंच भवन कश्यप को ग्रामीणों ने फोन कर समस्या से अवगत कराया और वार्ड नंबर 20 के पंच के द्वारा पहुंचकर संबंधित अधिकारियों जनपद लांजी सीईओ राजित तराम व जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार जी से दूरभाष पर चर्चा कर स्थिति से अवगत कराया। तब अधिकारियों के द्वारा तत्काल व्यवस्था बनाई। हम क्या नाम है आपका? ममता नागवे। क्या करते हो? मैं पंच। किस पंचायत में? बिसोनी पंचायत में। वार्ड नंबर 18। हम आपके वार्ड में समस्या देखी जा रही है कि नाली की साफ सफाई ना होने के कारण पानी घुस रहा है घर में, क्या कहना है इसमें? यहाँ पूरा कचरा वचरा डाल देते हैं ये लोग, खुद ही नालियाँ जाम हो जाती है। वो तो घरों के सामने इस नॉर्मली समस्या देखी जाती है। घर क्या है, पूरे नीचे है, इसमें साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है ये बताइए, जानना कि आप साफ सफाई आपके पंचायत के द्वारा साफ सफाई क्यों नहीं की जा रही है। वो हमने करवाने को बोल दिए थे उनको। किसको बोले थे आपने? यानी सचिव लोगों से बात हो गई थी। तो सचिव क्या बोले सचिव ने? वो करवाएंगे बोले थे उन्होंने। तो सफाई हुई इसके बाद? हुई या नहीं हुई ये मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। तो जैसा कि देखा जा रहा है आपके वार्ड में पानी भरा हुआ है, क्या समस्या है सर वहाँ की? ये पानी भराव का मतलब है कि पंचायत की जो लचर व्यवस्था है उसकी वजह से पानी भरा हुआ है। अगर पंचायत ध्यान देती समय पर तो आज ये नौबत नहीं आती। और पंचायत के द्वारा 1 से 1.5 साल हो चुके हैं कि नाली साफ नहीं करवाया गया इनके द्वारा, जिसमें नाली में कचरा गाड़ी भर गई है और जिससे पानी रुका हुआ है जी। और सर देखा जाता है कि हर पंचायतों को बरसात के पहले नाली साफ कराने का रहता है, तो आपकी पंचायत में ये काम क्यों नहीं किया गया? कि मतलब हमारे द्वारा कई बार सचिव सरपंच इनको अवगत कराया गया कि नाली साफ की जाए, बारिश आने वाली है, पानी जल भराओ, यहाँ हमेशा का नाटक यही है इनका, तो ये इनके द्वारा सफाई करवाई नहीं गई। जो कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ पानी के घरों में घुसने से, उनका मुआवजा क्या पंचायत वहन करेगी? पंचायत के द्वारा रसूखदारों का प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान पास किया जाता है और जो गरीब है वो गरीब गरीब ही रहता है,
जिसके कारण गरीब अपना मकान नहीं बना पा रहा है। शासन की योजना का लाभ गरीब को कतई मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, और यहाँ के सचिव सरपंच के द्वारा रसूखदारों को उनसे पैसे लेकर जो उनका मकान पास किया जाता है उसका खामियाजा इन गरीबों को ऐसे वक्त में भुगतना पड़ता है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस पद पे हो आप? पंचायत। कौन सी पंचायत में? बिसोनी पंचायत। देखा जा रहा है कि आपके पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 18, 19 में और 20 में पानी घुस रहा है, ये नाली की साफ सफाई कब से नहीं की गई आप लोग के द्वारा? देखो, पहली बात क्या है, ये आवास योजना जो है आर्थिक तालाब जमीन पे बसी हुई थी पहले से। अच्छा, यहाँ आए दिन पानी बारिश के समय कोई ना कोई टाइम में भरते रहता। लेकिन सर, ये ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा आज तक इनकी सफाई नहीं की गई है। नाली की सफाई की गई थी, लेकिन क्या है, गांव वाले नालियों में मट्टी डाल देते हैं, है ना। गांव वाले खुद हमें बयान देते हैं कि आए दिन गांव के जो भी ग्रामीण हैं वो सर, नालियों में कचरा डाल देते हैं, जबकि लकड़ियाँ कचरा ये सब डालने का वो सर, नाली का सुनाई आ रहा है कि पिछले 1 से 1.5 वर्ष से नाली की साफ सफाई या पंचायत का कोई भी कर्मी आके अपन नाली को देखा तक नहीं है। नहीं नहीं, नाली का जो एस्टिमेट बना हुआ था इंजीनियर के द्वारा और पंच द्वारा भी अवगत कराया गया था आप लोगों को, लेकिन उनका भी यही कहना है कि नाली की साफ सफाई पंचायत के अधिकारी कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया। नहीं नहीं, किया गया है, लेकिन पिछले साल किया गया था नाली की सफाई। तो सर, ग्रामीणों द्वारा क्यों ये बोला जा रहा है कि आप लोग नहीं कर रहे? नहीं, देखिए क्या है, यहाँ पर वो जो है ग्रामीण लोग कचरा नालियों में डाल देते हैं, इसलिए वो काम बनते रहते हैं। इस वर्ष आप लोग के द्वारा कराई गई थी? हाँ, कराई गई। कब कराई गई थी? सुनी, दसवें टोला में नाली सफाई हुई थी वार्ड नंबर 18, 19, 20 में। आवास में आवेदन हमारे को किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, आवेदन पंचों ने आपको अवगत कराया था, पंचों का कहना है, लेकिन आप लोग के द्वारा नहीं किया गया, ना कोई ध्यान दिया गया, ना उसमें कोई किया गया बोले तो। नहीं नहीं, ऐसा कोई लिखित आवेदन पंचायत में दिया नहीं। पानी की निकासी के लिए पूर्व में नाला टाइप बनाया गया था, नाली बड़ी वाली, उसको आपके पंचायत के द्वारा साफ नहीं कराया गया। पिछले साल जेसीबी के द्वारा मैंने खुद यहाँ पर काम करवाया। इस वर्ष की बताइए ना, पिछले बार तो कट गया था, वो पिछले बरसात के समय था, अभी इस बरसात के पूर्व आप लोग ने ऐसा कुछ करवाया क्या? इस कंडीशन जैसे अभी आ रही है तो हम लोग जेसीबी लेते। अब जितने गरीबों का अनाज नाश हुआ है, जितने का नुकसान हुआ है, तो क्या पंचायत के द्वारा इनका भरण किया जाएगा? खाद्यान्न विभाग से, सोसाइटी के माध्यम से बात कर। हाँ, तो आपके द्वारा किया जाएगा क्या, उनकी पूर्ति की जाएगी ना?